गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श पांडे केतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर एसएसटी टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर सीरीज फोर चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन विच वी विल रीड अबाउट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ टुडे वी विल स्टडी हाउ दे वर्क फॉर अस, वर्क फॉर द पीपल, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फोर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था पेज नंबर 64 तक। 64 पे देखो, पेज नंबर 64 पे सेकंड पैराग्राफ कि द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल सुप्रीम। कि इसके अंदर रीज़न सब इजी है कि जो विल ऑफ द पीपल है, लोगों की जो इच्छा है, उसको सबसे सुपीरियर माना गया, सबसे ऊपर माना गया है। द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि जो मिनिस्टर होगा वो कौन होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा ही चुना गया होगा। एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल, उसके पास सारे पावर क्या है, लोगों की इच्छा अनुसार ही उसके पास पावर होते हैं। ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पर ही काम कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव। शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल कंसिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी मिनिस्टर होगा, वो जो भी डिसीजन लेगा, उसके हर डिसीजन का क्या करना होगा, उसे आंसर देना होगा, किसको, लोगों को। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन, इसीलिए मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सारे फाइनल डिसीजन खुद ही लेते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड, कि जो भी मिनिस्टर होते हैं वो सारे ओवरऑल जितने भी काम होंगे उनका मेन पर्पस क्या है, वो सारे कौन डिसाइड करता है, मिनिस्टर्स। एंड द मिनिस्टर इज़ नॉट एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री, कि मिनिस्टर जो होता है वो अपने किसी काम में परफेक्ट नहीं होता, यानी कि उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, लेकिन द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स, वो क्या कर सकता है, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एडवाइस पर काम कर सकता है। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन, कि जितने भी अलग अलग जो एक्सपर्ट्स होते हैं सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, लेकिन सभी के ओपिनियन को सुनने के बाद में मेन जो उनका पर्पज़ है वो किससे पूरा हो रहा है, वो कौन डिसाइड करेगा, मिनिस्टर डिसाइड। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये कब होता है, जब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर काम किया जा रहा है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि जिसे ये पता हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन पर्पज़ क्या है, वो अपना डिसीजन जो है वो ईजिली लिया जा सकता है, वो एक्सपर्ट उसके ऊपर अपनी राय नहीं देंगे। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट समवन विथ ए लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन, एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हमें काम कैसे करना है वो कौन करेगा डिसाइड, मिनिस्टर्स। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल, और इसमें क्या, इसमें इलेक्टेड मिनिस्टर जो होते हैं वो ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना जाता है कंट्री में, इसको आप अंडरलाइन कर लो। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करता है, कि जो भी मेजोरिटी पार्टी है लोकसभा के अंदर, जैसे आपने देखा था इसके अंदर जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज़ की जो मेजोरिटी होगी, यानी कि मान लो कि बीजेपी के इतने मेंबर्स हैं, बीजेपी है,
और फिर कांग्रेस पार्टी है, इन सब के अलग अलग मेंबर्स हैं। जैसे देखो ये 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि देखो ये BSP है, BJP है, ये CPI है, मार्क्सिस्ट है, यानी कि ये अलग अलग मेजोरिटी से, यानी कि इन लोगों को कितने वोट मिले हैं, ये नंबर यहाँ दिया गया, इतने वोट यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो किसको मिला गया है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो 206 यानी कि जो कांग्रेस है ये जीती है, है ना, इसकी मेजोरिटी ज़्यादा है। तो इन्हीं में से इनका जो लीडर होगा उसे क्या किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। कोलिशन पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, तो कोलिशन पार्टी क्या होती है कि जैसे कि हमारा 543 जो है लोकसभा मेंबर्स कितने हैं, टोटल जो है वो कितने होने चाहिए, 543। जीतने के लिए कितने नंबर होने चाहिए हमारे पास, कितना वोटिंग होना चाहिए, कम से कम हाफ 245 तो होने ही चाहिए। 245 अगर है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबको अलग अलग यहाँ वोट दिया गया है, इसका 206 है। तो अगर 245 नहीं बनता है तो वो क्या करेंगे, कोलिशन करेंगे, यानी कि इस नंबर को 245 बनाने के लिए क्या करेंगे, अदर मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे, यानी कि लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो आके इनमें मिल जाए, या तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ऐसे करके ये इस तरीके से अलग अलग पार्टीज़ को क्या करते जाएंगे, अपने आप में जोड़ते जाएंगे। तो जोड़कर ये अगर 245 या 245 से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोलिशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर देखो जो प्रेसिडेंट है वो जो लीडर अपॉइंट करता है तो किसकी मेजोरिटी से, कि जो भी कोलिशन पार्टी है उसकी मेजोरिटी के ही लीडर को क्या अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और एलियंस गेट्स ए मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी कोई भी मेजोरिटी हासिल नहीं करती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू ए सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो बहुत लगता है ना कि हाँ ये इसके इसको बहुत ज़्यादा वोट मिले, हाँ ये मेजोरिटी के आसपास ही है, उनके लीडर का अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ही कंटिन्यू इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, वो पावर में कब तक रह सकता है, जब तक उसकी पार्टी जो है उसको मेजोरिटी मिलती रहेगी तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, चाहे वो कोलिशन से हो या फिर मेजोरिटी से हो। सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद में प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा, अदर मिनिस्टर, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। इसको आप अंडरलाइन कर लो कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजली फ्रॉम द पार्टी और द कॉलिशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। मिनिस्टर्स कौन हो सकते हैं कि जो जिनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए, उन्हीं की पार्टी से लोकसभा के मेंबर्स को ही अदर मिनिस्टर्स में अपॉइंट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फ्री है, वो किसी को भी चूज़ कर सकता है, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब तक वो पार्लियामेंट के मेंबर है। समटाइम्स यानी कि जितने भी वो अपनी पार्टी से क्या करेगा, किसी को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, किसी को हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, इस तरीके से वो अपनी ही पार्टी से मेंबर्स को अपॉइंट करते जाते हैं। समटाइम्स ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम ए मिनिस्टर, कई बार ऐसे पर्सन जो कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं उनको भी मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months, यानी लेकिन फिर अगर उसे मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उसे क्या करना होगा, दोनों में से कोई भी हाउस का मेंबर उसे बनना होगा ताकि वो मिनिस्टर के लिए अपॉइंट हो सके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी एक नाम है मिनिस्टर्स का जिनमें सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इट यूजली हैज 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक, यानी कि अलग अलग रैंक के 60 to 80 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजली टॉप लेवल लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज विच आर इन चार्ज ऑफ मेजर
मिनिस्ट्री, जो पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी में होती है उन्हीं में से कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं अपॉइंट होते हैं। यूजली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो काउंसिल मिनिस्टर के बिहाफ पर काम करते हैं। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनर पार्ट, यानी कि पूरा कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है, कैबिनेट के पास में होता है। इसमें कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ 25 मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60-80 मिनिस्टर, कैबिनेट में 25 मिनिस्टर। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये जो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके इंचार्ज कहलाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली वेन स्पेशली इन्वाइटेड, ये कैबिनेट मीटिंग में तभी जाते हैं जब उनको स्पेशली इन्वाइट किया जाता है, अदरवाइज इनका कोई रोल नहीं होता है कैबिनेट मीटिंग्स में। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, जो स्टेट के मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे, यानी कि उनके कहने के अनुसार ही उनको काम करना होता है। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मिनिस्टर जो हैं वो सभी एक दूसरे से डेली उनकी मीटिंग हो या डेली वो डिस्कस करें किसी मैटर पर। द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग, जो भी डिसीजन होता है वो कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज और ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग्स में ही ज़्यादातर डिसीजंस लिए जाते हैं स्टेट मैटर्स पर। द कैबिनेट वर्क एज ए टीम, द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन बट एवरी वन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, यानी कि यहाँ इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर सभी मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हो या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सारे मिनिस्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने व्यूज़ होते हैं, सब शेयर करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, कैबिनेट का माना जाता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो ओपनली किसी भी डिसीजन के लिए कुछ कह नहीं सकता जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाती हो, इवन इफ इट इज़ अबाउट अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो दूसरे मिनिस्टर की कोई बात हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट की, उसको ये पावर नहीं है कि वो उसकी बुराइयाँ करे। एवरी मिनिस्टर हैड सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स, यानी कि हर मिनिस्ट्री के पास में क्या है, एक एक सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए हैं जो क्या कहलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजन, सेक्रेटरीज का क्या काम होता है कि जितने भी जो भी नेसेसरी डिसीजंस जो लिए जाते हैं उनका उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किसका होता है, सेक्रेटरीज का, टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजन, ताकि डिसीजन लिया जा सके। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीएट, दिस इंक्लूड मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, यानी कि इसके अंदर अलग अलग सिविल सर्वेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गेट करना और फिर डिसीजन देना। तो ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप में काम किया जाता है कैबिनेट के अंडर में। नेक्स्ट आता है हमारा पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके क्या पावर्स हैं। द काउंसिल डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में नहीं बताया गया है, और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और ना ही उनके अदर मिनिस्टर्स के साथ में क्या रिलेशन है उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है। बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर, लेकिन हेड होने के कारण प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा माना गया है। ही चेयर कैबिनेट मीटिंग, सबसे पहला पावर क्या है कि वो कैबिनेट मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज होती है उसको देखते हैं। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो काम है उनको देखना। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, यानी कि उनका प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है वही सुपीरियर माना जाता है, कब, जब अदर डिपार्टमेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट हो किसी केस को लेकर या किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। ही एक्सरसाइज जनरल
सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, जितने भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उनकी लीडरशिप के अंडर में ही काम करते हैं, यानी कि सुपीरियर कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि काम को डिवाइड करने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। किसके अंदर? मिनिस्टर्स के अंदर। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, वो किसी भी मिनिस्टर को उसके पोस्ट से हटा सकते हैं। एंड वेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन दे रहे हैं तो इसका मतलब उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब क्या होंगे? एक साथ ही क्विट कर देंगे। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India within the cabinet, it is the prime minister. यानी कि सबसे powerful institution किसको माना गया है? Prime minister को ही माना गया है। Who is the most powerful? The power of the prime minister in all parliament democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracy are sometimes seen as prime ministerial form of government. यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो अलग अलग डिसीजंस हैं उनका जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है उसको सुपीरियर मानते हुए हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें हेड किसको माना गया है? प्राइम मिनिस्टर को ही माना गया है। इसीलिए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू पार्टी, यानी कि पार्लियामेंट क्या करेगा? अगर पार्लियामेंट और कैबिनेट इनमें किसी भी तरह का कोई मान लो कि कोई अलग अलग आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो उसको संभालने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट दिस ट्रेंड बाई मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज ए कंपटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज, कि मीडिया जो है अगर मान लो कोई भी जो दो टॉप लीडर पार्टीज़ है उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है इलेक्शन को लेकर या कोई भी मैटर हो सकता है उसको संभालने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टूवर्ड्स ए कंसनट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे कि हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कितने अलग अलग अपनी जो उनके पास जो नॉलेज था जो उनके पास एक्सपीरियंस था उसके बल पर उन्होंने क्या किया था? पूरे देश को संभाला था। उसी तरीके से उन एक एग्जाम्पल बताया गया है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोगों के लिए भी मतलब उतना इम्पोर्टेंस रखता है, लोग जिसको पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं फिर काम करने लग जाते हैं। तो इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर, उसी के बेस पर देखो इंदिरा गांधी जो कि एक बहुत पावरफुल लीडर थी। कंपेयर कलीग इन द कैबिनेट, ऑफकोर्स द एक्सटेंट पावर वाइडली बाय प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन, कि इन जैसे कि ये दो एग्जांपल हमने देखे हैं तो जिस तरीके से लोग जो हैं वो अपने लीडर के अकॉर्डिंग कब काम करते हैं? जब वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यही बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो कितना सुपीरियर है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसके पर्सनैलिटी पर और किस तरीके से वो काम कर रहा है लोगों के लिए उसके ऊपर। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैज़ इंक्रीज्ड इम्पोज्ड सर्टेन कंट्रेंट्स ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अभी इन कुछ सालों में क्या देखा जा रहा है कि जो कोलिशन पार्टीज़ हैं उसका ज़्यादा प्रभाव है किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, कि कोलिशन की जो पार्टी होती है उसमें क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपनी इच्छा के अनुसार कोई डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस कोलिशन पार्टी में उसकी पार्टी के साथ साथ जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं उन सब का डिसीजन भी मान्य होता है। एंड ही हैज़ टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्टर इन हिज पार्टी एज वेल एज अमॉन्ग एलियंस पार्टनर। ही ऑल्सो हैड टू हीड टू द व्यूज ऑफ पोजिशन ऑफ द कोलिशन पार्टनर एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड। यानी कि कोलिशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसके लिए जीतने के लिए अगर उतने मेंबर्स नहीं बनते तो वो क्या करता है? अदर्स मेंबर्स को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अदर मेंबर को जोड़ने की कोशिश करता है ताकि उस
जो जीतने के लिए जितने वोट होने चाहिए वो इंक्रीज कर सके। फिर जब वो अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा तो उसमें से भी क्या करना होगा, उन सभी की पार्टी से एक एक मेंबर को उसे चुनना होगा। इसीलिए कोलिशन की जो गवर्नमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती, बल्कि जितने भी पार्टी के लोग उससे जुड़े हुए होते हैं उन सबका डिसीजन जो होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे टाइम पर सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो सबको मानना होता है किसको, कोलिशन गवर्नमेंट को। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, आपको फेयर नोटबुक में करना है।